राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर फर्जी पट्टों में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। आरएलपी के पदाधिकारियों ने बताया कि नगर निगम में दो तीन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा संख्या में फर्जी पट्टे जारी किए हुए हैं, इसलिए इनकी विस्तृत जाँच कराना आवश्यक है। आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर फर्जी पट्टा प्रकरण में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जी, वार्ड नंबर दो में जो पहले तीन फर्जी पट्टे प्रकरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, चौथा हमारे पास में ये आपके सामने शो करना चाहूँगा। चौथा ऐसे कई हज़ारों पट्टे फर्जी बनाए गए, तो आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब से गुहार करना है कि साहब इनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करें, और जो भी अभी तक पट्टे में जिनको जारी किए गए उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई। और दूसरा मामला ये सरकारी ज़मीन को अवैध रूप से अवैध पट्टा बना के बेचा गया, 500 गज का जमीन सरकारी ज़मीन है नक्षत्र के पास में, वार्ड नंबर एक में। और ये वार्ड नंबर दो के कालू पार्षद मनोज मामना दीजिए, और ये रावत जो कि बेचारे इसके पास रहने को भी घर नहीं और बेटा है नहीं, चौकीदारी करता है, इसके पास कोई ज़मीन संपत्ति है नहीं, इसके नाम से फर्जी ज़मीन दस्तावेज बनाए गए हैं और लाखों के भाव में करीबन 50 लाख, 25 लाख एक नंबर, 25 लाख रुपये दो नंबर में बेची गई। इसका मामला सिविल लाइन थाने में भी दर्ज है। तो आज सीआई साहब भी थे, दलवीर जी सीआई साहब और एसपी साहब, तो उन्होंने पूर्ण तरीके आश्वासन दिया कि हमारे बयान वगैरह सब कुछ हो गए हैं और बहुत जल्द जो भी इसमें अपराधी पाए जाते हैं, चाहे नगर निगम का आदमी हो या पार्षद हो या कोई भी, उनकी तुरंत पर बहुत जल्द गिरफ्तारी होने वाली है। बिल्कुल, नगर निगम तो खुद भ्रष्ट है, उनके अधिकारी भ्रष्ट है। आज आप जाके देखो ऑफिस में ताले लगे हुए हैं, तो ताले क्यों लगे हुए हैं सोचने की बात है। कांग्रेस बीजेपी आखिर क्यों मुद्दा नहीं उठा रही है? दोनों कांग्रेस पार्टी का आज बोर्ड है यहाँ पर, कांग्रेस के भी अच्छे पार्षद है पर बीजेपी का बोर्ड है, विधायक साहब क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे उत्तर दक्षिण के? आज जनता हित के लिए चुना गया ना विधायक साहब को, तो क्यों आवाज़ अभी तक नहीं उठाया? वालिया के मामले में क्यों नहीं इसको निष्कासित किया जाए? पर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं आप सोचो विधायक साहब को कुछ मतलब नहीं है, पार्षद को मतलब नहीं है, मेयर को मतलब नहीं है, खाली एक लूट चल रही है, जनताओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जनता चुपचाप बैठी है। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को सतर्क करना चाहूँगा कि अब अभी नहीं तो कभी नहीं, आज ज़मीनों का करोड़ के भाव क्यों हो रखे हैं? क्योंकि ऐसे चोर, ऐसे भ्रष्ट पार्षद जो सरकारी ज़मीन को लाखों करोड़ों के भाव में बेच रहे, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? मध्यम परिवार आदमी जाएगा कहाँ? कहाँ से ज़मीन लेगा? तो आज ये कलेक्टर साहब से गुहार करना है, एसपी साहब से गुहार करना है, ऐसे जहाँ भी और जितने भी भ्रष्टाचार पार्षद है उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। निगम में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है जो ताला लगा के बजे हुए हैं उनको चेतावनी देना चाहेंगे कि अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो नगर निगम को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत जल्द घेरेगी। और कमिश्नर साहब को निवेदन करना चाहेंगे कि आप अच्छे हो, आप अच्छे कार्य कर रहे हो, तो आपके निगम में जितने भी अधिकारी उनको निलंबित करके कार्रवाई कर रहे हैं। आज आरएलपी पार्टी जो है फर्जी पट्टे जो पकड़े गए तीन, इसमें एक फर्जी पट्टा और आया है आज, जो कि किसी नाम तो किसी और का है, पट्टा किसी और के नाम से है, वो नगर निगम का हम लेके आए यहाँ पे, और जो इसकी जांच कर रहे हैं अधिकारी, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसमें जांच जो कालू पार्षद सामने हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो उसको गिरफ्तार करो। आज जो है ये उसको गिरफ्तार कर नहीं रहा, और नगर निगम में जाके जब जो अधिकारी सीट पर बैठे हुए थे जिनकी सीलें हैं जिनके साइन है, तो आप उनको उठा के लाओ ना वहाँ से, वो तो ताला लगा के सब जने चले गए वहाँ से, नगर निगम में इनको कोई मिलता नहीं है। तो आरएलपी पार्टी आज इसके खिलाफ आई है, और आने वाले समय में अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, और फर्जी पट्टे की जांच में जो भी अधिकारी या जो भी पार्षद लिप्त है उसका खिलाफ कार्रवाई आरएलपी पार्टी करेगी। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म वित्त कर्म अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज, हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ति, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277788। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा, जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे, और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी।
राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइफ कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए। नंबर वन चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज, 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध। साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929091952।